साल 1983 में रिलीज हुई फिल्म कुली अमिताभ बच्चन के करियर के लिए भी और निजी ज़िंदगी के लिए भी काफ़ी खास हैं, क्योंकि करियर के लिहाज से ये उनकी सुपरहिट फिल्मों में से एक हैं। तो वहीं निजी ज़िंदगी में वे इस फिल्म की शूटिंग के दौरान मौत के मुंह में जाकर वापस बाहर आए थे, और इस चीज़ का असर कुली फिल्म पर भी इतना पड़ा कि इसके मेकर्स को फिल्म की कहानी में बदलाव करना पड़ा। यानी फिल्म के लिए जो पहले क्लाइमेक्स सोचा गया उसे बदलकर बाद में कुछ और ही दिखाया गया। तो आज के इस बेहद ही दिलचस्प वीडियो में हम आपको दिखाएंगे फिल्म कुली का वो ओरिजिनल क्लाइमेक्स। तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अभी से लाइक कर इसे अंत तक देखते रहिए। खिड़की तो खोलिए, हमारी तारीफ जरा लंबी। व्यूअर, कुली साल 1983 में रिलीज हुई थी और 9 करोड़ के कलेक्शन के साथ उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई। इस फिल्म के डायरेक्टर थे मनमोहन देसाई, जिन्होंने कुली के अलावा अमिताभ बच्चन के साथ अमर अकबर एंथनी, नसीब, मर्द और सुहाग जैसी सुपरहिट फिल्में बनाई। कुली फिल्म में अमिताभ बच्चन के अलावा ऋषि कपूर, रति अग्निहोत्री, शोभा आनंद, वहीदा रहमान, कादर खान, पुनीत हिस्सर और नीलू फुले इत्यादि नजर आए। और फिल्म के एक फाइट सीन के दौरान पुनीत हिस्सर के मुक्के ने अमिताभ बच्चन को न सिर्फ मौत के मुँह तक पहुँचाया बल्कि इस मुक्के ने कुली फिल्म की कहानी को भी बदल दिया। दरअसल कुली फिल्म में दिखाया गया कि फिल्म के क्लाइमेक्स में जफर खान बने कादर खान अमिताभ बच्चन के किरदार को 3 गोलियां मारते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जिसके बाद कई लोगों की प्रार्थनाओं के चलते अमिताभ बच्चन को बचा लिया जाता है। लेकिन फिल्म के लिए सर्वप्रथम जो क्लाइमेक्स सोचा गया उसके अनुसार फिल्म के क्लाइमेक्स में अमिताभ बच्चन का किरदार मर जाता है, और उस क्लाइमेक्स के लिए शब्बीर कुमार की आवाज़ में गाने सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं का सेड वर्जन भी रिकॉर्ड कर लिया गया। तो पहले आप वो गाना सुनकर कुली का ओरिजिनल क्लाइमेक्स देख लीजिए, फिर हम इस पर बात करेंगे। ये गए वो गए, थक के हम सो गए, चलो सिग्नल हुआ सब का हाफिज़ खुदा। वक्त रुखसत है अब हमसे इंसान सब, मर के ही दोस्तों चैन पाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते। खाली हाथ लोग आते हैं जाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते। चुप से मातम करें, रोए क्या हम करें, अपनी वारात का यूं जनाजा उठा। हाय रे ये सितम, आज किस दिन से हम तेरी मैयत को कांधा लगाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते। दरअसल एक्सीडेंट के दौरान जब अमिताभ बच्चन हॉस्पिटल में एडमिट थे तब देश भर के हजारों लोगों ने अमिताभ बच्चन के ठीक हो जाने की प्रार्थनाएं की थी, और उसके बाद अमिताभ बच्चन ठीक हो गए और रिकवर होकर जब शूटिंग पर लौटे तो फिल्म की टीम ने सोचा कि अमिताभ जिस तरह रियल लाइफ में मौत से लड़कर वापस आए हैं, उसी तरह अगर फिल्म में भी उन्हें मरते हुए दिखाए जाने के बजाय मौत से जीतता हुआ दिखाया जाएगा तो उनके फैंस को काफ़ी अच्छा लगेगा। इसलिए फिर क्लाइमेक्स बदल दिया गया, और फिल्म के एंड में अमिताभ बच्चन ने उन लोगों को धन्यवाद भी दिया जिन्होंने उनके ठीक होने के लिए प्रार्थना की। मैं तो चला गया था, लौट आया आप सब लोगों की दुआ से। वैसे सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं गाने का सेड वर्जन का एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं जल्द ही किसी ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ। और हाँ, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियोस लगातार बनाते रहने का मोटिवेशन हमें मिलता रहे। धन्यवाद।